तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। ऋषि और मैं और चाचा जी अभी साइड में ही हैं। हम लोग ना बस का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मुझे जाना है मथुरा माधव के अन्नप्राशन में, तो मैं निकल चुका हूँ बांद्री से। काफ़ी समय वेट करने के बाद बस आ जाती है और मैं पहुँच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। सागर रेलवे स्टेशन पहुँच कर अच्छा ठंडा पानी पिया। आते ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। पहले मैंने पता चला मेरी ट्रेन ना पूरे 3 घंटे लेट है। जो ट्रेन 12 बजे आने वाली थी ना वो अब 3 बजे आएगी। स्टेशन पर अकेले बैठ कर ट्रेन का वेट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। करते गाइस 1 बज चुका है और ट्रेन लेट पे लेट हो रही है। देख रहा था स्टेशन की लिफ्ट काम करती है या नहीं। मैंने इसको क्लिक तो कर दिया, सब ख़राब हो चुकी है। इतने बार क्लिक कर चुका हूँ, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। अपनी ट्रेन का अनाउंस हो चुका है और कुछ ट्रेन कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस पूरी टू ऋषिकेश अपने स्टेशन पर आ चुकी है और मुझे भी इसी ट्रेन में ही बैठना है। राजा की मंडी होते हुए हमारी ट्रेन पहुँच जाती है मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन पे मैं वेट कर रहा हूँ फैमिली का, जो कि 2 बजे उतरने वाली है। स्टेशन पहुँचते ही सबसे पहले मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर मैं वेटिंग रूम में आकर वेट कर रहा था। 1 घंटा रह गया है, 1 घंटे बाद ट्रेन आ चुकी है उन लोगों की। अभी 2 बज रहे हैं तो हम लोग मथुरा स्टेशन पे उतर गए हैं और अभी हम ऑटो के थ्रू जा रहे हैं गोकुल, और गोकुल से जाएंगे रमन रेती। तो सब लोग बैठ चुके हैं रिक्शा में। एक्चुअली अभी हम गाड़ी लेके नहीं आए। ये वो नदी है और जो उनके पिताजी थे, कौन थे पिताजी श्री कृष्ण के, टोकरी में लेके आए थे, वही वाली जमुना है। आप देख लीजिए, ये है जमुना जी। जमुना जी के दर्शन हम लोगों ने किए, आप लोगों के दर्शन कराए। और भैया जी ने बोला कि यहाँ ना लोहे का सिक्का नहीं डाल सकते, तांबा वगैरह डालेंगे तो अच्छा है, लेकिन लोहे का डालेंगे तो अच्छा नहीं होता क्योंकि ये सारे बच्चे ही हैं इनके। अंकल बोल रहे, किसको बोल रहे थे, कितनी गोरी है, बच्चे गोरे होंगे। ये रे एक बच्चा ये रहा, एक बच्ची ये रही, और ये एक बच्चा ये रहा। अभी हम लोग आ चुके हैं गोकुल में, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जन्म से लेकर बड़े हुए हैं, जहाँ पे खेले कूदे हैं, तो वहाँ के दर्शन करेंगे। अभी चलेंगे मंदिर में, गोकुल के मंदिर में। पीयूष को दवाई देने वाले हैं, इसको ना कल से पेट में दर्द हो रहा है। 3 दिन से इसने ना वो ईक बुआई थी, ईक बुआने में ज्यादा वेट उठा लिया तो खिंचा हुआ गया, तो किस लिए दर्द हो रहा है। तरबूज खा लिया पहले तो ठंडा, खाने की वजह से हो रहा है क्या, तो क्या हो गया, दिक्कत है। अच्छा आप लोग भी माधव जी के दर्शन कर लीजिए। माधव जी बड़े ही खुश है गोकुल में आके, क्योंकि इनका बचपन यहीं पे बीता हुआ है। ये भैया है, ये ना पूरा गोकुल घुमाने वाले हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, सुधा माता की जय हो, सारे भक्त लोग ताली बजाओ, राधे 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 राधे। सब लोग हंसो पहले, दूसरा महात्मा ब्रज में आए, 6 गांव पड़ता है। कितना गांव? 6 गांव। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोबर, मंदिर इधर अनेक है, ठाकुर जी का घर। श्री कृष्ण जी भाई ना हम लोग गोकुल की गलियों में जा रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण जी खेलते थे। ये वही गली है जहाँ पे श्री कृष्ण जी खेलते थे, अभी तो थोड़ी डेवलप्ड हो गई है। पहले ये रियल गांव है श्री कृष्ण जी का। हम लोग गोकुल में पहली बार आए ना, पहली बार गोकुल की गलियों में घूम रहे हैं। हम लोग पहले वृंदावन और मथुरा घूम के चले जाते थे, लेकिन गोकुल नहीं आए कभी। जो भाव से ठाकुर जी को लगा दे भाई, माखन को भूख भूलोगे, क्योंकि भगवान क्या बोला है, ठाकुर जी तो अहंकार खावे, क्या खावे, भावना का तो वो भूखा है, पर जो भक्ति मनुष्य करता है उसको ठाकुर जी प्राप्त होता है। राधे 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 राधे। यही वो गलिया है, यही वो घर हुआ करते थे पहले, जहाँ पे श्री कृष्ण जी माखन चुरा के छुप जाया करते थे। राधे राधे। देखो ये गली तो रंगीली गली, क्या बोले, रंगीली गली। साल में 2 दिन, कितना, साल में 2 दिन भगवान अपने घर से निकलते हैं। के दर्शन कर लिए, अंदर ना श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। वहाँ पे कैमरा बंद था तो हम लोग वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ना मिट्टी भी खरीदी जाती है, मिट्टी खाना बहुत शुभ है, क्योंकि श्री कृष्ण भी यही मिट्टी खाया करते थे बचपन में जब वो छोटे थे। मतलब मिट्टी खा ली।
तो वैसे वो मिट्टी है जो श्री कृष्ण जी खाते थे यहाँ पे ना, 10 रुपए की मिट्टी मिलती है। स्कूल की गलियों में श्री कृष्ण जी की बचपन की मिट्टी खाने का जो मजा है ना, वो आप नहीं आके फील कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते। से हम रमन नीति आ गए हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी माटी में लेटा करते थे और माटी से खेला करते थे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे रमन नीति के अंदर। वहाँ पे लोग ना माटी में लेटते हैं, माटी लगाते हैं अपने शरीर को और अपने शरीर को पवित्र करते हैं, ऐसी मान्यता है। नहीं 4 बजे खुलता है, अभी 3 बजे रखे हैं, तो हमने सोचा कि जब तक लंच कर लेंगे 4 बजे मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर जाएंगे हम दूसरे किसी डेस्टिनेशन पे। कहाँ जाने वाले वो अभी नहीं पता, बाद में डिसाइड होगा, पहले रमन नीति में जाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण जी माटी से खेला करते थे। ये सही है यार, बिल्कुल जू टाइप का है, इसमें ये स्लीपर सब जमा होते हैं मंदिर एंट्री करने से पहले। अच्छा सब पेड़ देखा, छाव देखा मंदिर के अंदर ही, हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और खाना खाने के बाद फिर मंदिर चलेंगे जो कि 4 बजे खुलेंगे। पता है सभी जहाँ श्री कृष्ण जी माटी में लेटते थे ना, तो सभी भक्त लोग यहाँ पे मिट्टी में लेटेंगे। यहाँ पे किसी भी चीज की मन्नत मांग सकते हो, यहाँ पे लेट के अगर ये इसमें लेट रहे हो तो सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी। वो पवित्र मिट्टी है जहाँ पे लेटने से ही तुम्हारे शरीर की समस्त बीमारी खत्म हो जाती है। मुनि यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, मतलब मुनि लोग है या साधु लोग है, सबकी ऐसी ऐसी कुटिया, उनकी सेपरेट पर्टिकुलर एक एक कुटिया बनाई हुई है और एक एक मुनि इन्हीं में ही रहते हैं, साधु लोग इन्हीं में ही रहते हैं, वहाँ तक सब जगह ऐसी ऐसी कुटिया बनाई हुई है। हम लोग ना इस मिट्टी में बैठ चुके हैं और सभी लोग ना एक बड़ा सा घर बनाने वाले हैं और इसमें लेटने वाले, खेलने वाले, बहुत कुछ करने वाले, जैसे सभी भक्त आप लोग देख रहे होंगे सब लेटे हैं, खेल रहे हैं मिट्टी। ये है वो पवित्र मिट्टी की है। अभी मम्मी लोग और ये पूरी फैमिली ना अभी रमन माटी में लेट रहे, रमन रेती में लेट कर जो आनंद की अनुभूति होती है वो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। बोलो राधे रानी की जय। सभी लोग ना यहाँ पे रमन माटी में लेट चुके हैं और अभी ऐसे नहाएंगे। रमन रेती में माधव के साथ सभी भक्तों ने पिक्चर निकाली। रमन रेती से बाहर आने के बाद हम लोगों ने गजराज के दर्शन किए। हम लोग रूम पर आ चुके हैं, रमन रेती से वहाँ पे होली खेल के, माटी की होली खेल के वहाँ पे आके एकदम फ्रेश हो गया। आपको दर्द हो रहा था, आपको हमने इंजेक्शन लगाया और अभी पीयूष ने मालिश। अरे 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 माधव दिखाओ भाई, माधव को दिखाओ, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो कन्हैया। पापा की कमर में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा पैर में तेल लगाया जा रहा है और ये दोनों कर रहे हैं मालिश यहाँ पे, और चांद वहाँ पे कान्हा को और माधव को, कन्हैया को, सबको सुला रहा है। शाम के टाइम रूम के सामने एक स्टॉल लगता है, काफ़ी अच्छी चाउमीन बना रखी थी, तो हम सब आके चाउमीन खाने लगे, मोमोज खाने लगे। अगले दिन हम लोग निकल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। दर्शन से पहले हम लोगों ने माथे पे राधा नाम का तिलक लगवा लिया, तो यहाँ पे हमने राधा नाम अपने मस्तक पे लगवा लिया और अब चलेंगे बांके बिहारी मंदिर। पहुँच जाते हैं मंदिर ठाकुर जी बांके बिहारी जी के द्वार पे, लोग जाने लग रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम? बांके बिहारी मंदिर। तो ये तेरे तुम्हारे भाई ने पूरे मुंह पे लगवा लिया है टीका, तो देखो मेरे यहाँ पे भी लगा। हनुमान जयंती है और आज हम बांके बिहारी मंदिर में जा रहे हैं और बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो गाइस यहाँ से हमने बांके बिहारी मंदिर के साइड से ही हमने पेड़ा ले लिया, अंदर ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो इसलिए यहीं तक ही दिखा पाएंगे। दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आके हम लोग यहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग राधा रानी के मंदिर में आकर देखा कपाट बंद थे, 1 घंटे बाद राधा रानी के दर्शन मिले। राधा रानी जी के मंदिर में आप देख सकते हो कितना ज्यादा रस हो रहा था और सभी रस में राधे नाम की गूंज आपको साफ सुनाई दे रही होगी। लल्ला का, माधव का, कृष्ण का, गोपाल का अन्न प्राशन हो रहा है, जो प्रसाद मिला था राधा रानी का उसी से ही इनका भोग लग रहा है।
राधा रानी के मंदिर के गेट पर ही माधव का अन्य प्राशन कंप्लीट हुआ। रास्ते में हमको ऐसे बाबा मिले जिनके पास अजगर था। पीयूष ने बोला मुझे अजगर गले में रखना है और फोटो बरसाना के दर्शन करके आए। अभी हम लोग जा रहे हैं नंद महल। नंद महल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई है, पूरी 250 सीढ़ी का सफर। ये पूरा है नंदगांव, देख लीजिए, श्री कृष्ण जी का गांव। नंदगांव में ही यहाँ पे सभी भक्तों के लिए बड़ी ही स्वादिष्ट केसर की खीर मिल रही थी और हम लोगों ने खीर खाई और बहुत ही ज्यादा टेस्टी खीर बना के रखी थी। राधा रानी से माला ले ली मैंने। राधा रानी से माला मिली है भाई, माला मिल गई माधव को। अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। वहाँ पे सारे फॉरेनर्स रहते हैं और हरि नाम का जाप करते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हम इस्कॉन मंदिर की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस मंदिर में 24 घंटे हरि कीर्तन चलता रहता है, बिल्कुल भी नहीं रुकता। और साथ इस मंदिर में म्यूजियम भी है जहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि ये मंदिर की शुरुआत कैसे हुई और भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई है। बलराम कृष्ण जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। इन्होंने जीते जी 108 मंदिर स्थापित किए। मरने के बाद इनके शिष्यों ने 850 मंदिर स्थापित किए और इन्होंने धर्म प्रचार किया। आज के दिन हनुमान जयंती भी थी तो वहाँ पे हनुमान रैली भी निकाली, जय श्री राम के नारे लगे और बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ था। ई रिक्शा से हम लोग अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो कि मथुरा का सबसे खूबसूरत मंदिर है। सोन मंदिर के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं हम लोग प्रेम मंदिर में और ये मथुरा का वृंदावन का सबसे खूबसूरत मंदिर। प्रेम मंदिर में रात को लाइटिंग से इतना खूबसूरत हो जाता है कि ये मतलब कलर चेंज हो जाता है मंदिर का, जैसे जो लाइट जलेगी उसी कलर का मंदिर हो जाएगा। आप देख सकते हो गेट कितना सुंदर लग रहा है लाइट की वजह से। पूरे पार्क में लाइट होती है, जितने भी प्रतिमाएँ बना रखी है, स्ट्रक्चर बना रखे, सभी ओरिजिनल लग। देख सकते हो गेट कितना सुंदर लग। प्रेम मंदिर के अंदर बनाई हुई ये सारी स्ट्रक्चर, सारी मूर्तियाँ कितनी ओरिजिनल लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रियल ही हो। मंदिर के अंदर ही स्थित है कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा। कृष्ण राधा की डांस करती हुई ये प्रतिमा कितनी अच्छी लग रही है। प्रेम मंदिर का बदलते हुए रंग, लाइट के साथ साथ कलर बदलता मंदिर। अभी हम लोग आ चुके हैं किस जन्म स्थान पे। ये नया गेट है, ये अभी रिसेंटली ही नया गेट बनाया गया। अभी हम लोग रुक चुके हैं क्योंकि वन बीट में जहाँ ये लोग पढ़ाते थे तो उन्हीं के बच्चे भी वृंदावन आए हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि मैम हम लोग भी आए तो हम मिलना चाहते हैं। ये है श्री कृष्ण जन्म स्थान। अभी हम लोग श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने वाले हैं। पीयूष पुनीत लाइन में लग चुके हैं, अपना सामान मोबाइल वगैरह जो भी है इनके पास सब जमा करा देंगे क्योंकि अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, वरना अंदर खाली हाथ ही जाना पड़ता है। आपके पर्स वगैरह भी जमा कर लेंगे ना, सब कुछ आपको खाली हाथ भेजा जाता है। हम लोगों के बैग थे तो उन लोगों ने ना जमा नहीं किए, बोल रहे थे आपके बहुत ज़्यादा बैग है तो हम जमा नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही लोग गया था जमा कराने इसीलिए। तो वो लोग दर्शन करने जा चुके हैं, मैं और पुनीत यहाँ पे बैठे हैं वेट कर रहे हैं उन लोगों का आने का, फिर हम लोग दर्शन करने जाएंगे। निधिवन का यह सुंदर नज़ारा देख के हर किसी का मन मोहित हो जाता है। शाम के टाइम श्री कृष्ण जी स्वयं यहाँ पे आके गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। वृंदावन घूमने के बाद अब हमारी ट्रेन का समय हो जाता है और हम लोग स्टेशन पे आ जाते हैं। 4 घंटे हम लोग वेट कर कर थक चुके हैं, तो मैं आपको शायरी पेश करना चाहूँगा। कर 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 ऊंची थी खोपड़ी, इसके पीछे था छोटा सा झोपड़ा, पीछे थी खोपड़ी, उसके नीचे था छोटा सा झोपड़ा, ट्रेन चलाने वाली। कहना चाहोगे ट्रेन ड्राइवर को? मैं कहना चाहूंगा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब। काफी देर बाद फाइनली ट्रेन अपनी आ चुकी है। तो गाइस कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा।